हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट स्नैक्स रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 कप सूजी, आधा कप चावल का आटा ले लेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब्स, ये सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर वेजेस भी डाल सकते हैं या फिर आपको जो भी मसाले ऐड करने हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इसका डो लगाने के लिए हमने लिया यहाँ पर 1.5 कप गर्म पानी, तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल ही कीजिएगा। हमने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है, तो 1 कप या 1.5 कप पानी इसमें लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है। इसकी इस तरह से बॉल्स बन रही हैं। अब यहाँ पर आप अपने मनचाहे शेप में बना सकते हैं। मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रही हूँ। इसी तरह से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे और इन्हें हम बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई भी करेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से सभी को हमने तैयार कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेल को गर्म ना करें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमने इन्हें पलट पलट कर तल लेना है। बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बनकर तैयार होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तो ये परफेक्ट गोल्डन कलर के हो गए हैं। इन्हें निकाल लेते हैं बाहर और किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।